गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वेदर सो प्लेजेंट रियली, सो वी विल टेक एन्जॉय ऑफ वेदर एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, कैसे फंक्शन का रिलेशन से क्या कनेक्शन होता है उसको स्टडी किया, सिमिलरली फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखा, उसी रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ के ऊपर और जो फंक्शन को हमने डिफाइन किया उसी डेफिनेशन के ऊपर सबसे पहले आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अ सेट ए हैज फोर एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 एंड अ सेट बी हैज 3 elements A, B, and C. In these 2 sets, how many function can be designed as number one? First question hai, a function from A to B. Second hai, a function from B to A. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे आपके फंक्शन के डेफिनेशन को लेकर के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 सेट जो कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, एंड फंक्शन इज ऑल्सो अ वेरी फर्स्ट रिलेशन। फिर हमने ये बोला था कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। नाउ अब हम पहले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, अब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। हमें फंक्शन जो है वो डिजाइन करना है ए से बी, ए टू बी। सो इफ वी वांट द फंक्शन डिजाइन फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस हियर ए इज द एज अ इनपुट एंड बी एज आउटपुट। वी कैन से ए एज डोमेन एंड बी एज कोडोमेन। नाउ जब ए हमारा डोमेन है और बी हमारा कोडोमेन है, हम अपने बेसिक अप्रोच पे जाते हैं, जब भी सेट ऐसा आ जाए आप मैपिंग की मदद लीजिएगा। नाउ दैट मींस ये मैंने बनाई मैपिंग ए बी एंड 1, 2, 3, 4 एंड ए बी एंड सी, ये लीजिए। ये दोनों सेट को हमने डिजाइन कर दिया। हमें अब ए से बी पी मैपिंग डिजाइन करनी है, जैसा कि हमें यहां दिखाई दे रहा है। तो ए से बी की हमें एफ नाम की मैपिंग डिजाइन करनी है, एफ मशीन की मैपिंग डिजाइन करनी है। आइए अब यहां पूछा है कितने फंक्शन बन सकते हैं। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि यहां कहने का मतलब क्या है, हाउ मेनी फंक्शन का मतलब क्या है। सपोज करें, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 1, 2, 3 एंड 4 सबको यूनिकली ए से मैप कर दे रहा हूं, तो क्या वो फंक्शन है? यस, वो फंक्शन है। यदि मैं चारों को बी बी से मैप कर दे रहा हूं, फंक्शन है? यस, फंक्शन है। मैं चारों को सी से मैप कर दे रहा हूं, फंक्शन है? यस, फंक्शन है। मैं क्या कर रहा हूं, 1, 2, 3 को ए से मैप कर दे रहा हूं और 4 को बी से मैप कर दे रहा हूं, फंक्शन है? यस, फंक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल बोले, दे ऑल आर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसे कितने डिजाइन किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2 boxes हैं हमारे पास में, जैसे एक प्रकार से, और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को, मान लो बॉल को उठा करके डालना है, कलर्स का बॉल, कुछ भी लिया जा सकता है। ऐसे सवाल आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किए होंगे, तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अप्रोच यहाँ लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो लेटर को, है ना, एक पोस्टमैन जो है वो एक लेटर को डालने जाता है अपने हेड पोस्ट ऑफिस से, मान लो डिलीवर करना है जहां जहां जिस जिस एड्रेस के ऊपर, वैसा ही मान सकते हैं आप। आइए सबसे पहले मैंने लिया 1। अब आप जानते हैं फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि चारों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है,
और एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, वो वन टाइम कनेक्ट होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इस लेटर को, यू कैन से जस्ट लाइक एज लेटर, इस लेटर को डालने के लिए आपके पास में, डिलीवर करने के लिए 3 houses हैं, 3 मकान हैं। तो इसको डालने के लिए 3 यानी 3 में से एक जगह इसको मैप कर देना, एक जगह इसको फेंक देना है। यू कैन थ्रो इट एट ओनली वन प्लेस, सिंगल प्लेस। दैट मीन्स फॉर दिस वी हैव 3 options बट वी हैव टू चूज ओनली वन। दैट मीन्स फॉर दिस वी कैन से द टोटल मैनर आर 3C1। नाउ सिमिलरली प्रोसेस यहां पर भी लगेगा, सिमिलरली प्रोसेस यहां पर भी लगेगा, और सिमिलरली प्रोसेस यहां पर भी लगेगा। यानी यही काम हमें 4 times करना है फॉर द ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। बट आप जानते हैं कि चारों के लिए जो काम करना है वो मस्ट भी है। और जब ऐसा होता है कि किसी फंक्शन, किसी कार्य में, किसी वर्क में हमें कुछ सब टास्क करने हो और वो सभी कंपल्सरी हो, देयर वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, मल्टीप्लीकेशन सॉरी गुणन प्रमेय हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं पीएनसी के अंदर। वहां हम 2 तरह के थ्योरम पढ़ते हैं, एक राइट एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो सिमिलरली हियर वी अप्लाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसके लिए 3 options 3C1 into मल्टीप्लाई, इसके लिए भी 3 options। मैंने क्या बोला था, बस ये मैप होना चाहिए किसी से भी हो, यानी कि इसके लिए भी 3 options। सिमिलरली 3C1, सिमिलरली 3C1। यू कैन से कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है उतनी मैपिंग इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस कार्य को करने के इतने तरीके, द टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस टास्क, दैट इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ओके, विच फुलफिल टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स द टोटल रिजल्ट यू कैन से 3C1 टू द पावर 4, और यू कैन से 3 to the power 4। यानी आपने देखा कि इसमें हमने जो आंसर ऑब्टेन किया वो आया 3 to the power 4, दैट मीन्स 81। सिमिलरली हम सेकेंड एग्जाम्पल को करने जा रहे हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेने जा रहे हैं, उसमें रिक्वायरमेंट है, डिमांड है बी से ए। ये लो साहब बहुत ध्यान से, तो यहां हियर बी इज एज ए इनपुट एंड ए इज एज ए आउटपुट। दैट मीन्स ये मैंने बी ड्रॉ कर दिया और ये मैंने ए ड्रॉ कर दिया, तो बी एंड ए। तो जैसे ही मैंने बी एंड ए ड्रॉ किया तो बी के अंदर मैं लिखूंगा ए, बी एंड सी। सिमिलरली ए में लिखूंगा 1, 2, 3, 4, और ये अपने को मैपिंग करनी है। नाउ वापस वही, हम एक एक करके देखेंगे नहीं, हम सोचेंगे जरूर कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन जैसे ही हम ये सोच लेंगे तब हम उसको जितना शॉर्ट मैनर में हो सकता है उतना शॉर्ट एंड बेसिक अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। नाउ हम ये कह सकते हैं कि इस सेट के एलिमेंट ए को मैप करने के लिए 4 addresses हमारे सामने हैं, हमें तो 1 चाहिए, 4C1। सिमिलरली बी के लिए भी 4C1, सिमिलरली सी के लिए भी 4C1, यू कैन से 4 to the power 3, दैट मीन्स 64, एंड सिमिलरली 81। यानी इस सिस्टम में हम 81 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और इस सिस्टम में हम 64 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। उस 81 के अंदर मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, आइए मैं 2-3 एग्जांपल लिखूंगा भी। जैसे मान लो एक फंक्शन है F1, वो क्या बन जाएगा, मैं इन चारों को A से डिफाइन कर दूंगा, तो 1, A, 1, B, 1, C, 2, B, 2, C एंड 3, C एंड ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको दोबारा से हटा रहा हूं, क्योंकि मैं बोल तो क्या रहा हूं कि चारों को ए से कनेक्ट करना है, 1, A, 2, A, 3, A एंड 4, A। ये लीजिए चारों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओनली यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि चारों की इमेज सेपरेट हो, प्लीज डजंट मीन दैट इज सेपरेट इमेज, नो, ये यूनिक इमेज, दैट मीन्स ओनली सिंगल इमेज, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज, वो हमारे सामने आ गया। सिमिलरली ऐसा ही कोई बोले F2, जिसे मैं चारों को B से कनेक्ट कर दूं, तो 1, B,
टू कॉमा बी, सिमिलरली ये लीजिए, सिमिलरली एफ थ्री चारों को सी से कनेक्ट कर दूं, वन कॉमा सी, टू कॉमा सी, ये लीजिए। सिमिलरली नाउ अब इन तीन को ए से कर दूं, चौथे को बी से कर दूं, तीन को ए से कर दूं, चौथे को सी से कर दूं, तीन को बी से कर दूं, चौथे को ए से कर दूं, तीन को सी से कर दूं, चौथे को बी से कर दूं, ऐसे करते 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 कितने बनने वाले हैं बॉस? ये एफ 81 तक ये फिगर पहुंच जाएगा। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप समझ ही गए होंगे कि जब मैं इसको ओपन करना स्टार्ट करूंगा then we will find the total number of function will be 64. मेरे हिसाब से शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि इस एग्जाम्पल में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अप्रोच को अप्लाई किया फॉर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली, मुझे ऐसा लगता है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया। आराम से देखिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत आता है वीडियो को पॉज करें, आराम से उसको सुने, दोबारा से रिवाइज करें, पीछे आप रिमाइंड कर सकते हैं दोबारा से, और उसको रिपीट कर करके आप सुन सकते हैं क्वेश्चन खुद भी। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके स्थान पर, इधर तीन उधर दो ले लीजिए, दोनों में तीन तीन ले लीजिए। सपोज करें, वन मोर एग्जांपल, मैं ऐसे बोलूंगा ओरली, ए में थ्री एलिमेंट्स, बी में थ्री एलिमेंट्स, बताइए हाउ मेनी फंक्शन कैन बी डिजाइन। ए में थ्री एलिमेंट्स तो उसके लिए 3c1 3c1 3c1, दैट मीन्स 3 to the power 3। सिमिलरली ए में टू एलिमेंट, बी में फाइव एलिमेंट्स, इसका मतलब कितना है, एक के लिए 5c1, दूसरे के लिए भी 5c1, यानी 5c1 की पावर 2, यानी 5 की पावर 2। सिमिलरली ए में 10 एलिमेंट्स एंड बी में थ्री एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट उठाऊंगा ए का 3c1 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 to the power 10। ये मैंने इतने सारे एग्जांपल आपके सामने बोले जो कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। नाउ अब हम यहां से इस सिस्टम को पढ़ने के बाद अब हम एक छोटा सा, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन से ही हम फॉर्मूला जनरेट कर दे रहे हैं, वहीं से फॉर्मूला जनरेट हो पा रहा है। आइए अब हम इसी बिहाफ के ऊपर इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए हम एक हमारी स्टैंडर्ड लाइन एज फॉर द रिवीजन हम लिख लेते हैं। क्या है वो लाइन, इन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी कितना हो रहा है, ए के एलिमेंट्स एन ए, बी के एलिमेंट्स एन बी, और आप जानते हैं आपके सामने है, एक एलिमेंट उठाया 3c1 3c1, तो एन ए एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स के लिए एन बी वन अप्रोच, यानी मैं कह सकता हूं ना एन बी टू द पावर एन ए, एन बी टू द पावर एन ए। आइए देखते हैं यहां अप्लाई हो रहा है क्या, कोई भी मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, अभी पता लग जाएगा। हियर एन ए इज 4, एन बी इज 3, यू कैन से 3 to the power 4, आ रहा है बिल्कुल सही है। इधर आइए, यहां आपका क्या हो गया, ए आपका बी हो गया, बी आपका ए हो गया है, यानी उल्टा हो गया है। तो इधर एलिमेंट्स कितने हैं, 4, दैट मीन्स एन बी 4, एन ए इज 3, तो 4 to the power 3, दैट इज 64। इसका मतलब वेरी क्लियर है कि ये वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी एज अ रिविजन। कि यदि मैपिंग के रूप में क्वेश्चन आ जाता है, सेट्स को ओपन करके दिया जाता है एज ए रोस्टर फॉर्म, हमें पूछा जाता है फंक्शन कितने होंगे, हम बहुत इजीली बता सकते हैं। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली। ओके आगे बढ़ते हैं, इसको हटाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं अगेन मैपिंग के बिहाफ के ऊपर कुछ अप्रोच आपको और समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट अप्रोच है वो ये है कि अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन को मैपिंग की हेल्प से ही ग्राफ की दिशा में ले जाने वाला हूं। उसको ध्यान से देखिएगा, और ग्राफ से पहले इसी फंक्शन की डेफिनेशन को ग्राफिकल अप्रोच में ले जाने के लिए मैं दोबारा मैपिंग ले रहा हूं। आइए देखिए, एग्जाम्पल है कि फंक्शन का सेट ए, सेट बी, थ्री एलिमेंट्स एंड लेट टू एलिमेंट्स, ओके माय डियर, एंड ये हमने फंक्शन डिजाइन कर दिया इस तरीके। तो अब मैं क्या कर रहा हूं मैपिंग में, सपोज करें
वन को ए से कनेक्ट कर दिया, टू को बी से कनेक्ट कर दिया एंड थ्री को बी से कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हुआ मैप। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हर फंक्शन एक रिलेशन है, तो यदि मैं इसको कंप्लीट डिटेल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इक्वल टू वन कनेक्टेड टू ए ऑर्डर पेयर ऑफ वन कॉमा ए कॉमा ऑर्डर पेयर ऑफ टू कॉमा बी एंड कॉमा ऑर्डर पेयर ऑफ थ्री कॉमा बी। सो दैट इज वी ऑब्टेन थ्री ऑर्डर पेयर एंड द मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एज एफ। ये हमने ऑब्टेन किया। अब ध्यान से देखिएगा, तो जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि ये हमारा इनपुट है, डोमेन है, और ये हमारा कोडोमेन है। इस एग्जांपल में डोमेन क्या हुआ, अ सेट ए एलिमेंट 1 2 3, कोडोमेन क्या हुआ, अ सेट बी एलिमेंट ए कॉमा बी, एंड अ रेंज भी क्या हुआ, इक्वल टू कोडोमेन दैट इज इक्वल टू सेट बी एंड एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। नाउ वी कैन से फॉर द इनपुट 1 output is A, for the input 2 output is B, and for the input 3 output is 3। तो इस सिस्टम को फंक्शन में कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। In machine F you can say, in function F you can say, for the input 1 you obtain A, for the input 2 you obtain B, for the input 3 you obtain B। That's your answer. That's your different representation with respect to particular input, with respect to particular domain element. Okay? Partek, each element of domain को लेकर के आपने क्या किया, उसकी range उसके सामने आपने लिखी, उसका output आपने उसके सामने लिखा। Function को ऐसे भी represent किया जाता है, कहीं ऐसा आ जाए। देखिए मैंने सब में F लिखा है, इसका मतलब ये एक ही मशीन की बात हो रही है, उसके अलग अलग इनपुट की बात हो रही है और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट की बात हो रही है। तो यही अप्रोच हमें ग्राफ की तरफ ले जाने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आनंद आ जाएगा। ग्राफ का बेसिक करने जा रहे हैं हम और यहां से हमारी ग्राफिकल थ्योरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको हटाता हूं ना, जैसे ही हमने ये कंप्लीट किया तो अब मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स लूंगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। और हर जगह जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको अप्लाई करना है। आइए अभी केवल फंक्शन की डेफिनेशन चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं फंक्शन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, फंक्शन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए मैंने क्या किया, अब मैं जो मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट्स पढ़ा रखे हैं वो ध्यान से उसको रिवाइज करते जाना दिमाग में। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इधर लिखता हूं फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। सबसे पहले जिसका मतलब समझिए, फंक्शन एफ From R to R, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करिए कि मैंने R का मतलब क्या बताया था। R is denote to the real set. This R also denote to the real set. तो आप जानते हैं ये भी real number का set है और ये भी real number का set है, ठीक है। दो एक को A बोल दीजिए, दूसरे को B बोल दीजिए। That's your domain and that's your कोडोमेन। अब इसके अंदर मैं आपको सीधा और उल्टा दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि इधर डोमेन लिया आर, कोडोमेन लिया आर, और मैं खुद ही इसमें कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं, खुद ही कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूं। तो सपोज करें मैंने 0 लिया, मैंने 1/2 लिया, मैंने 1 लिया, मैंने √2 लिया, एंड जस्ट सिमिलर कुछ एग्जांपल लिए हैं, सारे तो मैं इसके अंदर नहीं दिखा सकता। एंड सिमिलरली आपने पीछे भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और इधर भी आपके सारे एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर में सभी एलिमेंट्स आते हैं, ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड इन रियल नंबर सेट व्हिच रियलिटी व्हिच एग्जिस्ट इन रियलिटी। सिमिलरली वो सारे एग्जांपल्स भी यहां पर है, सारे एलिमेंट्स यहां पर डिनोट है, ऐसा मान सकते हैं। तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखाने के लिए, ध्यान से देखिएगा, कई बुक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करती है और मैं भी करूंगा। ये लीजिए, आप इसको भी दिखा सकते हैं यहां पर, ये लीजिए, ये लीजिए,
इसका मतलब फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आपने सारे एलिमेंट्स रियलिटी में रियल नंबर के रूप में आपने सेट डी में ले लिए, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आपने यहां पर ले लिए। अब मैं इन सभी एलिमेंट्स को सपोज करो कोई एलिमेंट है यहां पर टू, हो गया ना, सीधी सी बात है, मैं उन सबको जितने भी एलिमेंट्स यहां आने जा रहे हैं सबको मैंने टू से कनेक्ट कर दिया, टू से कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए। तो आप इसका सेट क्या बनाने वाले हैं, आप देखेंगे फंक्शन एफ है, इसका नाम खुद ही दे रखा है, सवाल में खुद ही दे रखा है, ये फंक्शन एफ लिया है, द ईच एलिमेंट कनेक्टेड टू द एलिमेंट टू इन रियल नंबर सेट एज ए पॉलीनोमियल, यानी एफ वन की इमेज भी टू है, जीरो की इमेज भी टू है, वन बाई टू की इमेज भी टू है, रूट टू की इमेज भी टू है, यदि मैं 100 पर चला जाऊंगा तो 100 की इमेज भी टू है, माइनस 50 पर चला जाऊंगा तो माइनस 50 की इमेज भी टू है। क्या आप सोच पा रहे हैं कि जब मैं उन सबको लिखूंगा कि F1, so F1 equal to F0 equal to F root 2 equal to F50 equal to F minus 1 equal to, so किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और इस चीज को यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एज अ एक्स अक्ष ट्रीट करने वाला हूं। इनपुट है ना, जब भी ग्राफ में आप देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल को आप इनपुट मानते हैं, और हॉरिजॉन्टल में हम ग्राफ में मैथमेटिकली हम एक्स बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष हुआ और ये हमारा एक प्रकार से वाई अक्ष हुआ। ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफिकल अप्रोच की तरफ जा रहा हूं, तो सपोज करें ये मैंने ड्रॉ कर दिए x एंड y वैल्यूज, x एंड y, माय x इज कंप्लीट रियल नंबर सेट एज ए इनपुट, माय y इज कंप्लीट एज ए कोडोमेन रियल नंबर सेट, ओके, सारे नंबर जीरो से लेकर पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो से लेकर पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ ये हमारा इनपुट है, हमारे हर इनपुट के ऊपर आंसर कितना है, 2, हर इनपुट के ऊपर आंसर 2, ये 2 की लाइन है, 0 पर भी आंसर 2, 0 से आगे कोई भी वैल्यू लो, 0.0001 पर भी आंसर 2, 1 पर भी 2, रूट 2 पर भी 2, 3 पर भी 2, 5 पर भी 2, 100 पर भी 2, सब पर सोचिए 2 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
मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी बॉस, ये मिल गई लाइन आपको, ये आपको एक लाइन मिल गई है जिसमें आपने लिखा दिया है कि हर इनपुट के ऊपर आपका जो आउटपुट है वो 2 है। मैं देखिए जो गैप मैंने छोड़ा है ना, ये गैप भी है नहीं वैसे, क्योंकि रियल नंबर में सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन मैं दिखाऊं कैसे, तो आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे आई थिंक अच्छे तरीके से, आपको डाउट तो नहीं होगा। सिमिलर ये तो ये हमने एक प्रकार से क्या स्टडी किया, ये हमने स्टडी किया कि किस प्रकार से एक मैपिंग का ग्राफ से कनेक्शन है। मेरे हिसाब से शायद आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं है, आई थिंक क्लियर। खेल ही खेल में हमने एक प्रकार से एक कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं यहां से टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां से हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहां से पढ़ने वाले हैं। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम जो आप 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ के आए हैं, लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पढ़ के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने पैराबोला पढ़ा है, आप लोगों ने सर्किल पढ़ा है, आप लोगों ने हाइपरबोला पढ़ा है, एलिप्स पढ़ा है, ये सभी की सभी ज्योमेट्रीज जो पढ़ी हैं वो सभी की सभी ज्योमेट्रीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा भी सम स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो भी हम एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में करने वाले हैं। यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो फंक्शन में जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की थी डोमेन, कोडोमेन और रेंज, हम उनके ऊपर भी काम करने वाले हैं साथ साथ, और उसके बाद में प्रॉपरली उसके ऊपर काम करने वाले हैं एज ए थ्योरेटिकल एग्जाम्पल लेकर के। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्लोली स्लोली जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाना है। एग्जाम्पल्स हम खूब सारे लेंगे आपको करने के लिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी लेने हैं, रेफरेंस बुक्स भी लेनी है, आपको प्रैक्टिस शीट भी करनी है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा।